पढ़ लेती हैं, गुजराती भी। यहाँ बैठो, यहाँ मुंह करो, माइक लो, नजदीक आओ ताकि आप पर्चा पढ़ जाओ। बिना माइक के बोलना, लेकिन ये वाला विषय ऐसा है कि माइक से बोलेंगे तो हमें बहुत उत्तम लगेगा, क्योंकि अभी हम एक बहन पढ़ी लिखी जो बैचलर हैं, उन बहन के साथ में खेल खेल रहे हैं। माइक ले लो, माइक ले। अच्छा माँ, कोई मैं आपको बेटा मानती हूँ छोटे भैया। मैं कब से सोचती थी कि मुझे बुलाएगा। मैंने पर्चा लिखते सुबह 5 बजे उठी थी। आप अपना पर्चा खोल लो। नहीं, मैं 3 पर्चा लाई हूँ। हाँ। टाइम नहीं है तो आप नहीं नहीं एक कोई भी खोल लो। वैसे तो तीनों के एक एक आएंगे। हाँ, पता नहीं क्या लिखा हमारे पर्चे में। आपको जो खोलना हो वो खोल लो, जो प्रश्न बोलना हो वो बोल दो। मैं मेरा भी लाई हूँ। आपको जिनका बोलना है। आपका नाम क्या है? शकुंतला। ठीक है, लेकिन मेरा सच्चा नाम सांड्रा है। ठीक है, पुर्तगाल से हूँ मैं। ठीक है, खोल दो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक ये बाद में हो जाएगा। माइक ले लो, बोलो। हम लोगों को मेरी और मेरे पति की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। मुझे कैंसर है, हड्डी की भी बीमारी है और पैसे की तंगी है। ये होती है देखो कृपा, हमने कहा था बैठते ही कि जिनको जरूरत होगी वही आएगा। जिनकी बहुत आवश्यकता होगी वो उसको पैसे की बहुत तंगी है। हम लोग, मैं ये विचार करती हूँ कि पुर्तगाल शिफ्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कहाँ? पुर्तगाल, लिस्बन। लिस्बन पुर्तगाल शिफ्ट होता है तो अच्छा। किसी को ये विषय बताया तो नहीं? किसी को नहीं। ये जो बैचलर बहन है? नहीं नहीं, उसको तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। नहीं पहचानती? नहीं, मेरे वो लेकर आ गई आपको? मैंने पहली बार देखा है। हिंदी पढ़ी आप? हाँ पढ़ी हूँ मैं। हम पर्चा खोलें? और मेरे भैया का बेटा बोलता नहीं है, ऑटिज्म है। कोई बात, पढ़िए, नजदीक आओ, अब हमारा पर्चा पढ़ो। आप पढ़ो ना। नहीं, हम पढ़ेंगे, आप नहीं, नजदीक आओ, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से। मैं छूंगी नहीं, छूंगी। आपके पास में टोटल 3 लिफाफे हैं। चौथा पेज अलग है। एक में अपने मन की शकुंतला के नाम की समस्या लेकर आए हैं। कैंसर रोग है, तीसरा स्टेज पार कर गया, गांठों में दिक्कत है, असहनीय दर्द होता है, 2018 से परेशान है, तंत्र ने दिक्कत की है, एक की तबीयत ठीक होती तो दूसरे को दिक्कत बनाता है, आर्थिक तंगी है, पति बहुत क्लेश करते हैं, मदिरा पान करते हैं, सुधर जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। आस्तिक भी बन जाएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि वो आपके ऊपर भी आरोप अपेक्ष लगाते। वेजिटेरियन हो जाएगा और मेरे भैया का बेटा नहीं बोलता। उनके बारे में हमें लिखना पड़ेगा, ये इतना आया है क्योंकि उनके अलग लिफाफे में प्रश्न लिखे हैं। मैंने लिखे। हाँ जी, दे दो एक मिनट। बहन का भी है, ये फोटो है सन्यासी बाबा की जी। और ये 16 साल का, ये बोलता नहीं है, ये मेरा भैया है। और मेरी बहन का भी पर्चा है, वो आई है लेकिन आ नहीं सकी, लंदन से आई है। आप स्थान परिवर्तित कर दें, बालाजी दया करेंगे एवं आपके पति सुधरेंगे। और उनको समय लगेगा, पहले हमें आपके लिए उपाय करना है, गांठों की जो दिक्कत बनी है उसके लिए उपाय करना है, और एक गांठ भी बनी हुई है साथ में। हाँ जी, असहनीय पीड़ा हो जाती है और घर पर टोटका का जो प्रयोग किया गया
नेगेटिविटी एनर्जी का जो प्रयोग किया गया, जो आपको रात को आभास कराता है, गंदे स्वप्न भी देता है, डरावने, आपको भयभीत करता, शरीर कपा देता है, दवा काम नहीं करने देता, वह आपके पति से उपद्रव भयंकर करवाता, आपकी पूजा पाठ पर वो आपेक्ष आक्षेप लगाते हैं, रोकते हैं, वह पूरे मकान में भय डर लगा रहता है, इन समस्याओं का जड़ से निदान आज से ही होने लगेगा। अब आप रो मत माँ, आप ये पूरे पर्चे उनको दे दीजिएगा। शेष प्रश्न हम अभी तो पर्चे में लिखने में हमें समय लगेगा, उतने में हम 8-10 लोगों को, अब आपकी गुजराती तो हमने पढ़ ली, पर्चे की हमने तो अंग्रेज की पढ़ ली, अंग्रेजी बोले जरूर हिंदी। आइए माय डियर बैचलर सिस्टर, लो माँ अब आपकी बारी है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। हाँ दे दीजिएगा, हम देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती करते हैं। सन्यासी बाबा की नजदीक आए, कहाँ से हो बेटा? हाँ माइक ले लो बेटा, बिना माइक के भी बहन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए क्या बात, बिना माइक के हम भी बोलें। स्वास्थ्य ठीक नहीं, दर्द बना रहता, कार उन्नत होंगे, परिवार का प्रश्न लेकर आए, सामंजस्य चाहिए, हो जाएगा दोनों पक्ष। जय श्याम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की, गौ माता की, हाँ जी जय श्याराम। ठीक है बेटिया, ठीक बहन, इसके बाद